हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक न्यू सीरीज एमसीक्यूज ऑन करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम। देखो, आपको नेशनल लेवल करंट अफेयर्स करने हैं, इंटरनेशनल लेवल करंट अफेयर्स करने हैं, एंड जेएंडके के करंट अफेयर्स ऑफकोर्स आपको करने ही करने हैं। सो अगर मैं करंट अफेयर सेक्शन की बात करूँ, अगर आप हमारे डेली व्यूअर हो, आपको हर टाइप के करंट अफेयर्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे वो नेशनल लेवल करंट अफेयर्स हो, इंटरनेशनल लेवल करंट अफेयर्स हो, या जे एंड के करंट अफेयर्स हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, अगर आपने जे एंड के करंट अफेयर्स नहीं देखे, मैं सबसे पहले कहूंगा कि आप जे एंड के करंट अफेयर्स सबसे पहले आप कवर कर लो। नाउ हाउ टू वॉच, आपको प्ले लिस्ट में जाना है, प्ले लिस्ट बना हुआ है करंट अफेयर्स ऑफ जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे जाके आप सारे करंट अफेयर्स 2020 एंड अभी तक 2021 के सितंबर मंथ के मैं अपडेट कर चुका हूँ, तो वहां से जाके आप सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हो। नाउ इस सीरीज को मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि अभी तक आपने करंट अफेयर्स की तैयारी शुरुआत नहीं की, क्योंकि आपके काफी अलग सेक्शंस में करंट अफेयर का वेटेज 4 से 5 मार्क्स का रहने वाला है। सो इस चीज को मैं ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ कि अभी आपने करंट अफेयर्स की तैयारी स्टार्ट करनी है। इस सीरीज को अगर आप पूरा वॉच करेंगे, करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, बट चीज़ों को ध्यान में रखना है। जो जो चीज़ें मैं एक चीज़ों में स्टार्टिंग में ही आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, इस चीज़ में कभी भी डाउट में मत रहना कि करंट अफेयर्स आपको डायरेक्टली आजकल पूछे जाते हैं। करंट अफेयर एग्जामिनर क्या करता है कि करंट अफेयर्स को आजकल इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि डायरेक्टली एग्जामिनर आपसे करंट अफेयर नहीं पूछता, रिलेटेड चीज़ें जो इंसिडेंट्स होते हैं उनसे एग्जामिनर क्वेश्चंस निकाल लेता है। तो बस जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी ध्यान से सुने एंड डिटेल्स को ध्यान में रखते। देखो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन रहने वाले हैं, क्वेश्चन फॉर यू सेक्शन। आप देखो सबसे पहले क्वेश्चंस तो मैं शेयर करूंगा, बट इस तरीके के सेक्शंस भी अलग मैंने आपके लिए कंपाइल किए जो हम डेली भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके कुछ 5 क्वेश्चंस आपके यहीं से आपको मैं बता दूं, ये इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, फ्रेडरिक ओवडी ऑफ विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट पेसर एवर टू टेक 7 विकेट्स इन T20 मैच। तो ये नीदरलैंड की थी, वुमेन क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं। इन्होंने T20 इंटरनेशनल में 7 विकेट्स ली थी, तो ये फर्स्ट एवर वुमेन बनी थी। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे, डोंट नीड टू वरी कि आप बोलेंगे सर आपने आंसर्स तो नहीं लिखे, आपको क्वेश्चन फॉर यू एंड आंसर्स फॉर यू भी मिलेगा, डोंट नीड टू वरी। नाउ अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये सीरीज, जिसमें आज के वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप लोग काफ़ी टाइम से प्रिपेयर भी कर रहे हो, आप कोशिश भी करें आंसर्स आप खुद भी बता पाएं इनके। तो पहला क्वेश्चन मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं सीरीज में, अगेन आपके सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूं, मैं लेटेस्ट करंट अफेयर से शुरुआत कर रहा हूं, यानी कि मैंने शुरुआत अभी सितंबर मंथ से की है। तो फिर हम सितंबर, फिर उसके बाद अगस्त, जुलाई, जून, इस तरीके से हम करंट अफेयर्स आपके कवर करवाएंगे 2021 के। तो शुरुआत हो जाइए, कोशिश करिए बताने की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप कमेंट करके आंसर्स बता भी सकते हो खुद। द 15th एडिशन ऑफ इंडो नेपाल जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण, तो ये हो चुकी है बेसिकली। आपको ये बताना है कि कौन सी इंडियन स्टेट ने इसे होस्ट किया, आप कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हो। सो करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ इसका, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में इसे होस्ट किया गया, एंड प्रीवियसली 2020 में होनी थी बट COVID-19 की वजह से ये नहीं हुई। ओके, तो ये 20 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई थी एंड 15वां एडिशन था, ये आप ध्यान रखें। ओके, इंडिया एंड नेपाल के बिटवीन। अब देखो एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, आप लोगों को वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर आप चाहते हो कि सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँ, तो आज मैं इस वीडियो का एक लाइक टारगेट रख रहा हूँ। ओके, देखो आप कहेंगे कि सर लाइक्स टारगेट क्यों, बिकॉज अगर आप लोग इसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो तभी तो मैं आपके लिए हार्डवर्क करूँगा, अदरवाइज सारे वीडियोज़ आपके लिए पड़े हुए हैं ऑलरेडी, आप जाके वॉच कर सकते हो, डेली वीडियोज़ वॉच कर सकते हो। बट अगर मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा हार्डवर्क आपके लिए कर रहा हूँ, तो यू जस्ट हैव टू हिट द लाइक बटन। तो लाइक्स टारगेट 1000 रख रहा हूँ मैं, इस लाइक को टारगेट को ज़रूर अचीव करवाएं, सो डैट कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें, बिकॉज अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, तो फिर मेरा हार्ड वर्क करने का, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करने का कोई बेनिफिट रहेगा। तो आई वांट कि आप लोग एटलीस्ट 1000 लाइक्स का टारगेट अचीव कराएं, सो डैट कि मैं जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊं। आई वांट कि आप आज ही करें, तो मैं अब कल ही आपके लिए न्यू पार्ट लेके आऊँ। ओके, तो आप याद रखें। अब सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। तो किसे बनाया गया नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज अंडर MSME के अंडर आती है ये ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसके जो बनाए गए हैं जी, न्यू CMD बने हैं जी, इनका नाम है अलका नानगिया अरोरा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि हमारे MSME मिनिस्टर कौन है। नितिन गडकरी नहीं है, अगेन मैं क्लियर कर रहा हूँ, नितिन गडकरी चेंज हो चुके हैं,
आपको बताना है एमएसएमई मिनिस्टर कौन है राइट नाउ हमारे इंडिया के, ये बताइए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे 2021 इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। जहां पे भी 2021 अगर आपको कहीं डे के साथ मिला ना, तो समझ जाइएगा कि वो डेट फिक्स नहीं है, उसमें कुछ वेरिएशंस रहती हैं। कोई पर्टिकुलर डे होता है, जैसे फर्स्ट सैटरडे हो गया, थर्ड सैटरडे होगा, तो इस तरीके से रहता है। जहां 2021 है, तो अब इसका जो करेक्ट आंसर बन गया 18 सितंबर। अब 18 सितंबर क्यों? क्योंकि इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है थर्ड सैटरडे इन सितंबर। अब थर्ड सैटरडे इस बारी 18 को आया, अगली बारी जब भी आएगा तो वो आपने ध्यान रखना है। एंड इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ सितंबर भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, इसमें पर्टिकुलरली आपको अलग से नहीं करना है। अब थीम इसका क्या है जी? कोस्टल क्लीन अप डे। हमें अपने कोस्टल के एरियाज को क्लीन रखना है, एज यू नो, कीप ट्रैश इन द बिन एंड नॉट इन द ओशन। उसके बाद सिरारकोंग चिली एंड तामेंगलोंग ऑरेंज, एक चिली आप देख रहे हो सामने, मिर्च पड़ी आपके सामने, एंड तामेंगलोंग ऑरेंज पड़े हैं, संतरे पड़े हैं, तो इन दोनों को अभी GI टैग दिया गया। तो आपको बताना कि कौन से इंडियन स्टेट में मिलते हैं जिन्हें अभी GI टैग दिया। तो ये दोनों हैं मणिपुर के। ब्लैक चक हाउ राइस आपको याद होगा, वो भी मणिपुर के हैं, जिन्हें लास्ट ईयर GI टैग दिया गया था। ओके, तो वो आप जरूर याद रखें। सजोत मेहंदी, वो भी आ जाएगा अभी रिसेंटली, राजस्थान की मेहंदी है वो, सजोत मेहंदी जिसे हम कहते हैं SAJOT, वो मेहंदी वो राजस्थान की, उसे GI टैग दिया गया। ओके, वो आप ध्यान रखें। नागा ककुम्बर, नागा नागा जहाँ आपको दिखेगा, नागा मीन्स नागालैंड, तो खीरा जिसे हम बोलते हैं ककुम्बर, तो उसे भी GI टैग दिया गया, वो आप ध्यान रखें। रिसेंटली अमित शाह लॉन्चेस द उज्ज्वला 2.0 स्कीम ऑन 18 सितंबर इन मध्य प्रदेश। तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि उज्ज्वला, PM उज्ज्वला स्कीम स्टार्ट कब की गई थी, कौन से साल में की गई थी? इसकी शुरुआत 2016 में की थी। अब इस योजना के तहत क्या होता है कि सिलेंडर्स दिए जाते हैं, सो डैट कि LPG सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सो डैट कि जो लोग, जो भी गाँव फार फ्लंग एरियाज में आप देखते हो अभी भी लोग लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी से अपना जो खाना वगैरह बनाते हैं लकड़ी जला के। इसमें जो सेकंड 2.0 स्कीम है, इसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव 10 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स पे भी फोकस किया जाएगा, जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हुए उनको भी LPG सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। डेट पूछ रहा था 2016। अब उसके बाद 2022 के बीजिंग जो विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं, आप लोग जानते हो एक समर ओलंपिक्स तो हो चुके हैं जो अभी हुए हमारे जापान में, टोक्यो में। अब नाउ समर विंटर ओलंपिक्स होंगे, विंटर ओलंपिक्स होस्ट करेगा 2022 में बीजिंग, 4 अप्रैल बीजिंग। इसका ऑफिशियल मोटो टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, ये आप याद रखें। एंड इसमें मैंने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स का भी, जो 2020 इसलिए कहते हैं क्योंकि 2020 में होने थे, अब कोविड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से कैंसिल हुए थे। अब इसका भी मोटो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, एडिशन हुआ था स्ट्रॉन्गर टुगेदर वर्ल्ड का, ये आप ध्यान रखें, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक आप लोग जानते हो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होगा कि कितना, कौन सा कंट्री कितना ईजिली वहाँ जाके बिजनेस करना ईजी होता है। तो अब वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, 2018 में कुछ रिपोर्ट्स में चाइना ने कोई कुछ डेटा के साथ टैम्परिंग की गई थी, डेटा को आगे पीछे किया गया था, फिर रिपोर्ट्स प्रॉपर नहीं थे, तो फिलहाल तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम भाई साहब इसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, अभी हम रिपोर्ट ही पब्लिश नहीं करेंगे क्योंकि कंट्रीज पार्टीज पे इसमें कॉपरेट नहीं कर रही फिलहाल। तो इस पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक ने द्वारा डिसाइड किया कि इसे हम डिसमिस करेंगे। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स आप लोग जानते हो Washington DC, डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट हैं। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट और यूटी लॉन्चेस अ सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567। तो इसे स्टार्ट जेंट के द्वारा किया गया था, नाउ इसने इसे पैन इंडिया यानी कि ऑल ओवर इंडिया भी स्टार्ट कर दिया गया 14567। कोई भी सीनियर सिटीजन किसी भी तरीके की हेल्प इसको जरूरत होगी तो इसे प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, अब जनरली इसे पैन इंडिया में कर दिया गया, ऑल ओवर इंडिया कर दिया, जेंट के में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था मनोज सिन्हा जी द्वारा। ओके, वीडियो का लाइक टारगेट मत भूलना गाइस, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दो क्योंकि बाद में मैं भी आप भूल सकते हो। उसके बाद 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द ओकेजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बर्थडे। जिस दिन हम 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिवस होता है तो उस दिन कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है? उस दिन ऑब्जर्व किया जाता है सेवा दिवस। ओके, सेवा दिवस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड विद IPI इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड 2021। तो मीडिया कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया जी, आपको बताना है कि किसके द्वारा दिया गया, मतलब किसको दिया गया। ओके, ऑस्ट्रिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया द वायर को। ओके, द वायर का एस्टैब्लिशमेंट 2015 में किया गया था सिद्धार्थ वरद रंजन द्वारा, ये आप याद रखें।
जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस आए थे मैंने आपको बताया था, देखो अब आंसर्स भी आपके सामने आ गए। तो नीदरलैंड की थी फर्स्ट प्लेयर जिन्होंने 7 विकेट्स ली थी वुमेन क्रिकेट टीम की। एनटीपीसी को सम्मानित किया गया कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री अवार्ड। अब कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट कौन है? टीवी नरेंद्रन, याद रखें टीवी नरेंद्रन। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स एडुटेक स्टार्टअप स्पोर्ट जो लैंडर बेस, ये टेनिस के प्लेयर हैं, ये अपने ध्यान रखना है। पोषण माह सेलिब्रेट किया गया सितंबर मंथ को, हमने पूरे मंथ को हमने पोषण माह सेलिब्रेट किया है सितंबर मंथ को, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसे ऑब्जर्व करता है। बीएसएफ के न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं पंकज कुमार सिंह, ये भी याद रखें वेरी इंपॉर्टेंट पंकज कुमार सिंह। ओके आंसर्स आपको मिले। अब देखो फिर से क्वेश्चन आगे। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज़ लॉन्च 100-day कैंपेन टू क्रिएट ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेज। तो डेफिकेशन फ्री यानी कि हर जगह शौचालय हो, हर घर में शौचालय हो, लोग शौचालय के लिए बाहर ना जाएं, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। आपको बताना है कि इस इनिशिएटिव का नाम क्या था। ओके देखो अब एक चीज़ और आपके माइंड में आ रही होगी कि सर ई बुक कहाँ से लें, ये इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। गाइस देखो जनरली अगर आप डेली करंट अफेयर्स हमारे वॉच करते हो तो फॉर श्योर यू हैव डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ आप उसे डाउनलोड कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ में जाके। बट अगर देखो आपके लिए एक पर्टिकुलरली मैं इतना कहूँगा कि ये जो मैं सीरीज ला रहा हूँ इसमें जस्ट मैं आपका एक रिवीजन करवा रहा हूँ, बट इतना मैं कहना चाहूँगा एंड रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आप करंट अफेयर्स देखो आप पढ़ना तो आपके सामने मैं जो सीरीज लाऊंगा आप तो याद करेंगे पढ़ेंगे, बट अगर आपको पीडीएफ चाहिए मैं चाहता हूँ पीडीएफ आपके पास सारे क्वेश्चंस का रहे, नॉट ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसके लिए एक स्पेशल ई बुक आपके लिए मैंने बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ई बुक में आपको लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स का जिसमें अप्रैल से लेकर सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, तो वो ई बुक भी जरूर आप देख लीजिएगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो परचेज कर सकते हो, नॉमिनल सा कॉस्ट है जिसमें आपको सारे करंट अफेयर्स एक साथ मिल जाएंगे। बाकी अगर आप हमारी ऐप पे जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम IQ तो वहाँ पे ई बुक लेंगे तो आपको अराउंड 99 rupees में होगा, उसमें आपको जनवरी से लेकर अभी तक के अपडेटेड करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो आई विल रिकमेंड कि आप ऐप पे भी जाके पीडीएफ परचेज कर सकते हो स्टोर कॉलम में जाके, बाकी आप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस आ गए आपके लिए, अब इनके आंसर्स आपको आगे मिलेंगे, तो बाकी आपका ये रिवीजन आपका चलता रहेगा। विच कंट्री हैज बिकम द 9th मेंबर ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो 8 मेंबर थे इसके, अब 9वां कंट्री बन चुका है शंघाई कॉरपोरेशन का, तो ये बना है ईरान। ओके ईरान बना है एंड इसके हेडक्वार्टर्स वगैरह आपको पूरा यहाँ बीजिंग चाइना में, सेक्रेटरी जनरल का नाम आपको यहाँ मिल जाएगा। परमानेंट कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं इसमें? चाइना, रशिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कर्ज़ाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड नाउ अगेन ईरान जो इसमें नेक्स्ट कंट्री बना है। ओके जो 9th मेंबर बना है। 70th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 70वें बने हैं, ये तेलंगाना से, इनका नाम है राजा रित्विक। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ये आपने बताना है। तो इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 21 सितंबर को। ओके शांति का दिवस। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी याद है आपको 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, वो भी आप ध्यान रखें। उसके बाद 2000 इसका थीम आप ध्यान रखिए रिकवरिंग बेटर फॉर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। Who has won the prestigious Women Prize for Fiction for her novel Piranesi? तो इन्हें Women Fiction Prize से सम्मानित किया गया। ओके तो इस Piranesi इसकी इनकी नॉवल का नाम है एंड इनका नाम है सुसाना क्लर्क। सुसाना क्लर्क इज फ्रॉम UK। Who has been appointed as a mentor of Team India for T20 World Cup by BCCI? तो ये होंगे जी महेंद्र सिंह धोनी। ओके एंड कौन सा कंट्री होस्ट करेगा T20 वर्ल्ड कप? ये 17 अक्टूबर से शुरुआत होगी, UAE एंड ओमान में होंगे। ओके एंड विराट कोहली कैप्टनशिप भी छोड़ देंगे आफ्टर दिस वर्ल्ड कप। ओके हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट? वेरी इंपॉर्टेंट बुक। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ SBI रजनीश कुमार इज द ऑथर ऑफ दिस बुक द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। एंड यू नो रजनीश कुमार को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इकोनॉमिक एडवाइजर भी अपॉइंट किया गया, वो भी आप जरूर ध्यान रखें इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। विच टाइफोन हैज रिसेंटली स्टक ताइवान एंड फिलीपींस? तो किस टाइफोन ने हिट किया था? तो ये क्या था? चांथो। ओके चांथो टाइफोन। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विनर इन हॉकी विवेक सागर को अपॉइंट किया गया सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन विच इंडियन स्टेट? तो ये मध्य प्रदेश के आप लोग जानते हुए मणिपुर सरकार द्वारा भी मीराबाई चानू को किया गया था, क्योंकि उन्होंने सिल्वर मेडल जिताया था इन 49 kg कैटेगरी, याद आया? वो भी आप याद रखें।
विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स। तो ये स्टार्ट किया है हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली द्वारा। बिजनेस ब्लास्टर में क्या होगा कि जो स्टार्टिंग में बच्चे जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, जो इनका जिनका विजन बिजनेस की तरफ है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ है, तो उनको लाइक स्टार्टिंग में कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी, तो सो डैट कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ। तो ये न्यू दिल्ली में इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। अब न्यू दिल्ली के मैंने सारे करंट अफेयर्स कंबाइंड फॉर्म में यहाँ शेयर किए हुए हैं, तो पूरा आप देखेंगे। इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट बायो बैंक इन आयुर्वेदा, ये न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया। ओके, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट रिपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट्स में वन आया था, मतलब इंडिया की तरफ से नंबर वन था। ओके, एम्स में आप लोग जानते हो, एम्स दिल्ली में हॉस्पिटल प्रीमिसेस के अंदर एक फायर स्टेशन बनाया जाएगा, इमरजेंसी फायर स्टेशन, सो डैट की कोई आग वाग वगैरह लगे तो उस टाइम इससे निपटा जा सके। ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को 5,000 दिए थे न्यू दिल्ली द्वारा, सरकार द्वारा। तो इसी तरीके से सारे करंट अफेयर्स न्यू दिल्ली के भी मैंने कंबाइंड किए हुए, जो मैंने आपको ई बुक के बारे में बताया उसमें आपको ये सारी डिटेल चीज़ें मिलेंगी। तो एक बार ही ज़रूर गो थ्रू करें, क्योंकि सारी चीज़ें अभी आप बोलेंगे कि आपको स्टार्टिंग से मैं करंट अफेयर्स कर, अभी इस सीरीज में मैं ओनली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके कवर करवाऊंगा, बट ये है कि करंट अफेयर्स आपकी कोई टेंशन नहीं रहेगी आपको। विच बैंक है साइंड MOU? देखो, अगर हम एक्स्ट्रा सेफ एंड पे जाएं तो फिर वही बात की जाती है कि आपको डिटेल में हर चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज, अभी आप प्रिपरेशन ही स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर आप यू कैन गो विद दिस सीरीज ओनली। विच बैंक है साइंड MOU विद नेशनल बैंक स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन टू ऑफर क्रेडिट सपोर्ट टू MSME अक्रॉस द कंट्री? तो ये समझौता किया HDFC बैंक द्वारा। क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले आ गए। ओके, न्यू CM ऑफ पंजाब कौन बने हैं? पंजाब के न्यू मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी। ओके, पंजाब के करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ सारे मिलेंगे, आप देख सकते हो लास्ट 6 मंथ के कंबाइंड करंट अफेयर्स किए गए हैं कंबाइल। ये सारे हार्डवर्क आपके लिए डेली में कर चुका हूँ, अगर हमारे डेली व्यूवर हो तो फिर तो आपको काफ़ी चीज़ें ईजिली अग्री होंगी। तो इसलिए कहते हैं कि एक साथ तालाब भरना मुश्किल हो जाता है, बूंद बूंद से ही पड़ता है, तो डेली बड़ा करो। अगर इन फ्यूचर किसी एग्जाम के लिए अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ, हु हैज़ वॉन एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021? तो ये किसने जीती है? ये जीती है जी हमारे पंकज अडवाणी। फिनो पेमेंट बैंक हैज अपॉइंटेड हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो ये इन्होंने बनाया कालीन भैया को, यानी कि पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर। फिनो पेमेंट बैंक की डिटेल पूरी आपके सामने आ गई। देखो, एक बुक राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है, शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। तो इस बुक के ऑथर आप याद रखें, 400 बर्थ एनिवर्सरी थी 9th गुरु ऑफ सिख, गुरु तेज बहादुर जी की, डॉक्टर प्रबलीन सिंह द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया, ऑथराइज बाय डॉक्टर प्रबलीन सिंह जी, आप याद रखें, शाइनिंग सिख ऑफ यूथ ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल इक्वल पे डे, ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बताना है, तो इसे किया जाता है 18 सितंबर को ऑब्जर्व। ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू मालदीव्स? माले इज द कैपिटल, मालदीवियन रुपिया इज द करेंसी, एंड श्री मानू महावार। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज लॉन्च अ यूनिक कैंपेन नेम्ड सेल्फी विद टेम्पल कैंपेन? सो इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा, सेल्फी विद टेम्पल। विच इंडियन स्टेट हैज डिक्लेयर्ड एनक्रोचमेंट ऑफ लैंड रिलेटेड टू रिलीजियस प्लेस एज कॉग्निजेबल ऑफेंस? से कॉग्निजेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया है, एनक्रोचमेंट करना किसी भी रिलीजियस प्लेसेस, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, किसी के सेंटिमेंट्स के साथ इस तरीके का अगर ये केस किया जाता है तो एक ऑफेंस है। ओके, तो ये तमिलनाडु द्वारा कॉग्निजेबल, मतलब ये एक ऑफेंस करोगे तो फिर नॉन बायबल रहेगा, जमानत कराना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर कोई भी इन्वॉल्व रहेगा इस केस में। विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ड्राई राशन स्कीम? तो राशन डिस्ट्रीब्यूट करना, ड्राई राशन जाने की आटा चावल इस तरीके से, तो ये उड़ीसा। रिसेंटली वैदिक सहायक प्रोजेक्ट, इसे स्टार्ट किया गया। विच सिटी विच विल हेल्प इन फाइंड क्लर्कियल जॉब अपॉर्चुनिटीज टू जेल इनमेट्स? जो भी जेल से रिहाओ के बाहर जाते हैं उनको भी जॉब्स प्रोवाइड करने में ये हेल्प करेगा, ये इनिशिएटिव एक प्रोजेक्ट। तो ये स्टार्ट किया गया हमारी न्यू दिल्ली सरकार द्वारा। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, उम्मीद करूँगा आपको काफ़ी चीज़ें न्यूज सीखने को मिली, आप आंसर्स इनके कर भी पाए होंगे फॉर श्योर। आप अगर आप डेली पढ़े होंगे तो फॉर श्योर आपने आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस 20 से 25 क्वेश्चंस तो 20 क्वेश्चंस तो नॉर्मली आप कर पाए होंगे।
तो इसी तरीके की सीरीज के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट क्या करना है, यू हैव टू जस्ट हिट द लाइक बटन। तो 1000 स्टूडेंट्स तो मुझे चाहिए चाहिए सीरीज़ में, सो डैट कि मैं नेक्स्ट सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ। तो 1000 लाइक्स का टारगेट अचीव आपने करवाना है, लाइक करना है। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। अगर आपने इस टारगेट को अचीव करवाया तो जितने जल्दी होगा उतने जल्दी आपके लिए वीडियोज़ आएंगे। थैंक यू, टेक केयर। एंड बाकी अगर आपको बाकी डिटेल करंट अफेयर्स तो आप डेली हमारे चैनल पर पढ़ ही सकते हो, तो उसमें अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई करंट अफेयर मिस होगा। ऐसा कोई करंट अफेयर्स नहीं होगा जो हमने कवर ना किया होगा, बट द पॉइंट इज कि अगर आपने डेली पढ़ा होगा, अगर आप डेली नहीं पढ़ेंगे, अभी आएंगे पढ़ने के लिए, फिर दिक्कत होगी। तो फिर इसी दिक्कत से ओवरकम करने के लिए आपके लिए सीरीज स्टार्ट की गई है। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून, एंड डू लाइक शेयर।